नमस्कार, इटावा जंक्शन से ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इटावा जंक्शन का बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया और इसकी बिल्डिंग है, मुख्य बिल्डिंग। नॉर्थ सेंट्रल जोन NCR जोन में ये आता है, प्रयागराज मंडल में, प्रयागराज डिवीज़न। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बंदर किस प्रकार से उछल कूद कर रहे हैं। ये इटावा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जिस पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर नया पैदल पुल बनाया जा रहा है, उसकी अपडेट हम आपको देंगे फुट ओवरब्रिज की। साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग है ये वर्षों से लग रहा है पेंट नहीं हुई है, जगह जगह इसका प्लास्टर भी झड़ गया है और इस बिल्डिंग को भी अब बहुत जल्दी पेंट किया जाना चाहिए, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ी सी मरम्मत की भी ज़रूरत है, बहुत जगह इसका प्लास्टर देखिए झड़ गया है तो ये बहुत ख़राब लग रहा है देखने में। और ये नेताजी हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र पूरा पड़ जाता है, इटावा जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उधमपुर से चलकर प्रयागराज जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो एक झलक छोटी सी इस ट्रेन की भी, और इसके बाद हम बात करेंगे जो यहाँ पर पैदल पुल का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में यहाँ पर एक पैदल पुल है ये जो काम कर रहा है और ये पुराने ज़माने का है, पुराने समय का है, पूर्व का। अब नया यहाँ पर पैदल पुल बनाया जा रहा है। तो ट्रेन चल पड़ी है प्रयागराज की दिशा में। यहाँ से एक छोटी सी इसकी झलक हम आपको साथी में दिखा रहे हैं और इसके बाद बात करेंगे वीडियो में आगे। जो यहाँ पर नया पैदल पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी बड़ा चौड़ा और मज़बूत नया पैदल पुल बनाया जा रहा है, उसको हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे, उसकी अपडेट आपको हम देंगे कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। सुबह सुबह का समय है इटावा जंक्शन पर, तो एक छोटी सी ट्रेन की झलक भी आप साथ में देखिए और इसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर के इटावा से टूंडला की दिशा में, दिल्ली की दिशा में आप कह सकते हैं, गाज़ियाबाद की दिशा में आप कह सकते हैं, जिस दिशा में नया पैदल पुल इटावा जंक्शन पर बहुत लंबे समय से ये मांग थी उसको बनाया जा रहा है। तो ये अब हम पहुंच गए हैं जो नया पैदल पुल बन रहा है। देखिए उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से, यहाँ पर ये सामने टूंडला की दिशा है जिधर से फिर आगे ग्वालियर की दिशा में ट्रेन्स जाती हैं, आगे से बाएं हाथ मुड़ करके सीधे ट्रैक चला जाएगा गाज़ियाबाद को टूंडला होते। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं पीले रंग में आपको पूरा ये दिख रहा है नया पैदल पुल, काफ़ी बड़ा पैदल पुल चौड़ा ये बनाया जा रहा है क्योंकि अब आबादी भी बहुत बढ़ गई है, नंबर ऑफ़ ट्रेन्स भी लगभग 94-95 ट्रेन्स यहाँ पर उनका ठहराव है इटावा जंक्शन पर। और चूंकि रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, यात्रियों की संख्या बढ़ गई है और आने वाले समय में जब अब धीरे धीरे हालात नॉर्मल हो रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय बीतता है पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये नया पैदल पुल देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे सभी प्लेटफॉर्म्स को जोड़ेगा। ये सामने 2 नंबर और 3 नंबर का प्लेटफॉर्म है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी हम खड़े होकर के ये शूट कर रहे हैं वीडियो इस दिशा से। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसकी रैंप यहाँ पर तैयार हो गई है, स्ट्रक्चर नीचे जो उसकी फ्लोरिंग है यहाँ पर फ्लोर के अंदर ग्राउट कर लिया गया है, फिक्स कर लिया गया है और धीमे धीमे यहाँ पर जो ये नया पैदल पुल इसका निर्माण हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर रात दिन जो है चल रहा है, वेल्डिंग हो रही है, वर्कर्स लगे हैं। नज़दीक से हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, और नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं इस पैदल पुल का व्यू, फुट ओवर ब्रिज जो बन रहा है इटावा जंक्शन पर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वर्कर्स यहाँ पर रात दिन काम कर रहे हैं और ऊपर देखिए अभी छत लगनी बाकी है, पूरा जो शेल्टर दिया जाता है फुट ओवर ब्रिज के ऊपर उसका स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और जिस तरफ से जीना उतरेगा या रैंप यहाँ पर देंगे वो देखिए स्ट्रक्चर किस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े आयरन के आपको येलो कलर में पीले रंग में जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म तक नीचे आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे 2-3 नंबर उधर 4 और 5 नंबर पर इसके बाद आपको दिख रहा होगा विजुअल
किस प्रकार से देखिए नीचे तक अभी उसको वेल्ड किया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का जो अभी पुल है वो और अभी विस्तार होगा, उसमें एक्सटेंड होगा, जो रैंप आ रही है जोड़ा जाएगा। फैब्रिकेशन का काम बराबर रात दिन चल रहा है, वर्कर्स लगे हुए हैं तेज़ी के साथ, और नए वर्ष में आप मान के चलिए 2022 में ये भी एक तोहफा मिल जाएगा हमारे NCR जोन में, यहाँ पर इटावा जंक्शन वासियों को, जो यहाँ के लोकल्स हैं। ये हम आपको और नज़दीक से दिखा रहे हैं, देखिए कितने मजबूत पिलर्स, लोहे का जो स्ट्रक्चर है कितना मजबूत यहाँ पर दिया गया, जो गर्डर्स हैं ऊपर नए गर्डर्स बिल्कुल रखे गए हैं, बहुत ही मजबूत ये पुल बनाया जा रहा है। आने वाली ज़रूरतों को देखते हुए, आने वाले समय में जब यहाँ पर लोड बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो किस प्रकार से यहाँ पर दो तरफ जब पैदल पुल हो जाएंगे तो भीड़ जो है वो बढ़ जाएगी, लोड जो है पीक आवर्स में रश वो डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि फिर कभी कोई केओस वाली सिचुएशन जो है वो प्रिवेल ना हो। तो ये था छोटा सा अपडेट इटावा जंक्शन से।